अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको मैं बताऊंगा कि सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर कैसे चेंज करते हैं। ये जी एक सीलिंग फ़ैन मैंने उतार लिया इसे छत से, जिसमें कैपेसिटर एक लगा हुआ है। ये भी 3.5 का है, मगर ये ख़राब हुआ है, इसको चेंज करना है मैंने। ये जी मेरे पास जिनसे मैंने लगाना है, ये भी 3.5 का है। इसके साथ मैंने तारे लगा लिए हैं ये दो। ये मैं इसे उतार हूँ पुराने वाले को, और उतारते वक्त ये हमेशा याद रखें कि जो उनसी दो तारे जो उनसी उतारनी है, उसी जगह पे दूसरी नए कैपेसिटर की दो तारे जो उनसी होगी, हमेशा वहीं लगे दोबारा, और उल्टी सीधी इसका कुछ नहीं होता। ये जो तुम्हारे लगाना है, ये जी एक तार मैंने इधर से उतारी थी, इसके साथ मैंने नए कैपेसिटर की लगा दी वापस, और एक तार इधर से उतारी थी इसको लगा दी। और ये जो होती है ये टाई, इसको वापस कर ऊपर से। और ये कनेक्टर में लगी हुई थी, इसको वापस कनेक्टर में। लगाते वक्त ये हमेशा याद रखें कि जो सी तार जो सी लगाते हैं आप, पंखे को टच ना हो, इधर इधर साइडों पे टच नहीं होनी चाहिए। ये लग गया मेरा कैपेसिटर, ये भी ये आ गया जी फिट अपनी जगह। नहीं, क्योंकि मेरी ये दो तारें जो सी होती हैं मेन, जो सी पंखे को मिलती हैं, मेरी सीलिंग में लगी हुई है, इसलिए अभी मैं इधर से आप चेक नहीं करा सकता। ये होगा जी दोबारा बंद। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।